सकती है क्या? सर आज कोई आई ची नहीं रही है, दिल ही खराब है। फिर क्या कर रहा है तू यहाँ कैसे भाई? मैं तो जॉब इंटरव्यू लेके आ रहा था, तू बता। मैं वो फ्रेंड, मेरा फ्रेंड आने वाला है, मैं उसके लिए आया। सही, जॉब इंटरव्यू? हाँ यार, हो गया। रिजेक्ट? क्या हुआ? कितना टाइम था? 8,000। चल कोई नहीं यार, 8,000 ही हुआ, फिर आ जाएगी। 8,000 तेरे कम होगा भाई, तेरे ठीक ही था। कुछ प्रॉब्लम है घर में? नहीं यार, ठीक था 8,000। और तू बता क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं फ्रेंड का वेट कर रहा था। चल बढ़िया भाई। चिकोलो लेन, एक बात बता, तू इधर दोस्त का वेट कर रहा था या किसी और का? मैं भाई दोस्त का वेट कर रहा हूँ। मैं तो जिगोलो लेना। और ये हाथ में क्या तेरे भाई? अब तुझसे क्या छुपाऊँ, किसी को अगर बताएगा नहीं तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। बता। देख यार, तेरे को पता है कि जॉब मार्केट कितनी डाउन है आज के डेट में, और जॉब आजकल मिलती कहाँ है यार। तो खुद 8,000 रुपये की जॉब चेक करके आया ना। सही बात। तो मैं ये काम पार्ट टाइम करता हूँ, तो मेरे 10 से 15,000 रुपये हो जाते हैं महीने के। नहीं नहीं, महीने के नहीं भाई, दिन के। दिन के नहीं, घंटे के। क्या बात कर रहा है भाई? भाई मेरा भी करवा यार फिर कुछ इसमें। भाई ये काम ना इतना इजी नहीं है, स्टैमिना चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात साइज चाहिए होता है भाई। दोनों है मेरे पास। नेहा को तो जानता था ना तू? हाँ, अपने कॉलेज वाली। हाँ ना भाई, उसके साथ जब मैं करता था ना तो एक्सेल साइज भी छोटा पड़ जाता था। क्या बात कर रहा है? अबे यार, हम सब तो तेरे को मीठा समझते थे। तू रहता तो अकेला अकेला था, लड़कियों से तेरी बात नहीं होती थी। yes. तूने कब किया नेहा के साथ? सब कुछ बात बताने की नहीं होती ना भाई। चल सुन मेरी बात, अगर तुझे करना है ना तो जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार है ना? बिल्कुल। सुन मेरी बात, तुझे ना अपना एक HIV का टेस्ट करवाना पड़ेगा। HIV का? बस हाँ, तू कल टेस्ट करवा और मेरे पास रिपोर्ट ले गया, मैं तेरा काम शुरू करूँगा। और भाई आ गया, क्या बात है? बढ़िया, ये देख रिपोर्ट आ गई। नेगेटिव। अब सुन, देख सबसे बड़ी बात, सबसे पहली सेफ्टी अपनी है, और बिना प्रिकॉशन के कभी किसी के साथ नहीं करना। ठीक, लेकिन यार मैं तो हमेशा विदाउट सेफ्टी करता हूँ। पागल है तू, कभी मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। आज से तेरा ये नया बिजनेस मैं शुरू कराता हूँ, लेकिन सुन। हाँ भाई, तेरी पहली ड्यूटी का 50% मेरा। बिल्कुल गुरु दक्षिण समझ ले यार। लंच मैंने लगा दिया है। मास्टर जी मुझे भूख नहीं है, आप उस खाने को या तो खुद खा लीजिए या फिर पैक करके फ्रिज में रख दीजिए। सर मैं एक बात पूछूं आपसे? पूछूं? 2-3 दिन से देख रहा हूँ आप खाना ही नहीं खा रहे ढंग से। अक्षय जब से गया है तो आप बहुत खोए खोए से लगते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाके खाना खा लीजिए। हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यार ये पीस तो बहुत अच्छा है, राहुल के ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा। शो के बाद मैं इसको गिफ्ट दे दूंगा। मास्टर जी, रोहित सर कहाँ गए सारे के सारे? क्या है इसमें? किसी तो कपड़ा भी नहीं, आधा तो महंगा ही रह जाएगा उनमें। इसमें तेरे सूट आ जाए पूरा। फोर थाउजेंड है क्या इसमें? आज रोहित सर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज तो मिल नहीं पाएंगे। जो भी मीटिंग होगी वो कल होगी। इतने इतने महंगे पीसीस हैं, कोई है भी नहीं ऐसे में। यहाँ
सीसीटीवी तो नहीं है, एक तो रख ही लेता हूँ। आपको बता देंगे, मीटिंग कल रखेंगे, हम आपको बता देंगे। ओके मैंने यार 11 पीस देखे थे, इसमें तो 10 ही पीस, 1 पीस कहाँ गया? जी कैसे हो? हाँ और हाल से बढ़िया। हाँ जी, क्रीम रोल खा लिए? नहीं नहीं, ये सब मैंने खाता। क्यों? खा लिए। अरे एक तो खा ली थी। नहीं अरे ठीक है, ये सारे मॉडल आप रोहित सर को प्रोवाइड करते हो, एक आध हमें भी पकड़ा दो। हाँ मास्टर जी, क्या कह रहे थे? क्या पकड़ा दूँ? जो आप रोहित सर को पकड़ाते हो। मास्टर जी, आप बिना रोहित सर के पीछे पूरे ठक्की हो जाते हो। अच्छा? अपनी पोजीशन का और उम्र का ध्यान रखा रहे हो। अच्छा, आप भी रोहित सर के पीछे ना चोर बन जाते हो। ये कहाँ से आया? इसमें पैर लग गया और चल के तुम्हारी जेब में आ गया। मास्टर जी, इसलिए मैं आपको देख रहा था, हो सकता है टेबल पर रखने की जगह जेब में रखते हो। चोरी करने के बाद हर चोर ऐसे ही बोलता है, आप अब जरूरत थी हमसे मांग लेते, हम किसी को खाली नहीं जाने देते। विनोद जी, आप टेंशन मत लो, मैं रोहित सर से सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। थैंक यू। अगर आप चाहो तो आपको कुछ पीस भी मिल सकते हैं, अगर आप चाहो तो। कैसे? जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब साथ बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी करना पास होंगे कर लो। ठीक है, मैं पर्दे बंद करके आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा था यहाँ पे? मास्टर जी, क्यों खा रहा है? मास्टर जी, तुम्हारे फेस पे सफेद सफेद क्या लगा हुआ है? जाके इसके साफ करके आओ। अब कराता हूँ मैं तेरा बिजनेस शुरू। अब तुझे ना जिम जाकर वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जरा सुबह शाम वर्कआउट यही होगा। सही बात, जितने झूले झुलाने हैं झुला, जितनी झुकानी है झुका। और पैसे पैसे अलग, ऐश करेगा भाई ऐश, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुझे। वो तो बात है, मैं कह रहा हूँ कोई रिस्क तो नहीं होगा ना इसमें? रिस्क कुछ नहीं है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखो, बिना गुब्बारे के किसी के ऊपर नहीं जाना, समझ जाइयो। बट भाई, मैंने जितना आज तक किया मैंने तो सारा बिना गुब्बारे के किया। तू पागल है? लेने के देने पड़ जाते हैं भाई, अगर HIV STD हो गई ना तो कोई नहीं पूछेगा तुझे। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, फिर देख तेरी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सुन हाँ भाई, इस बिजनेस का एक और उसूल है, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। मतलब चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, मैं दोनों के साथ करना। ये बात तो तूने मुझे पहले बताई नहीं भाई। ये बताने की थोड़ी ना होती है, हमें लोगों को खुश करना है, तो खुश करना। क्यों डरता है यार? देख देख देख, क्लाइंट आ गए, क्लाइंट आ गए। भाई याद रखियो मेरा, बेस्ट ऑफ लक, बाय। कितनी गर्मी है यहाँ पर, पेड़ की छांव में बैठे क्या? हाँ चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राम प्यारी। फिर तो मॉडल जैसी हो और नाम काम वाली हो जैसे। कुछ बोला आपने? अच्छा चलो आ जाओ, उधर पेड़ के नीचे बैठते हैं। चल चल। अबे साले, आज तो तेरी लॉटरी निकल पड़ी। हाँ हो सकता है, आज तो माल और मजा दोनों मिलेगा तुझे। अरे मेरे को गुदगुदी हो रही है यार, ऐसे मत करो प्लीज, रूम में चलते हैं ना। अबे साले माल निकाल। माल?
यार सब लोग देख रहे हैं, अभी सबके सामने माल निकालूं मैं? हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो। अबे ये इस माल की बात नहीं कर रही मैं, तो उस माल की बात कर रही हूँ। रोकड़ा निकाल, चल। मेरे पास कुछ नहीं, आप चेक कर लो। इससे पहले गोली अंदर जाए उससे पहले तू माल निकाल दे। मेरे पास सच्चे में कुछ नहीं है, आप कुछ चेक कर लो। मेरा भेजा गरम हो रहा है। अच्छा मेरे पास एक चीज है, ये मेरी सारी जमा पूंजी यही है, मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है ये माचिस की डब्बी तो मुझे दे रहा है। ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, 20 साल तो मुझे यूज करते हुए हो गए इसे। आप 20 साल और संभाल के रखो, 50,000 का बिकेगा, एंटीक बन जाएगा जब तक। तो सच बोल रहा है ना? हाँ हाँ, आपके सर की कसम। मेरे सर की कसम मत खा, मेरा बॉयफ्रेंड भी यही करता था, हर टाइम झूठ बोलता था। झूठ मत बोलो, आपका आपके जैसे का बॉयफ्रेंड हो सकता है? यही ठोक डालेगी मैं तेरे को। चल और निकल, और क्या है तेरे पास? और कुछ नहीं है, आप चेक कर लो। चैनी वैनी भी नहीं पहनी साला फटी। चल ये क्या है तेरे हाथ में? घड़ी है ये। निकाल निकाल, चल। ये मेरी बीवी ने गिफ्ट की थी मुझे, ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए ये। और क्या है तेरे पास? और कुछ नहीं है मेरे पास, आप खुद चेक कर लो। ये अब ज्यादा हो रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। आप क्या बोलेगा रे पुलिस को कि तू कॉल बॉय है? साल के लिए अंदर कर देगी पुलिस तुझे। मेरे साथ नहीं, ज्यादा शान पट्टी करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब इधर आइए प्लीज। क्या हुआ? कौन लोग? ये देखिए मुझे परेशान कर रही है। मेरा बॉयफ्रेंड है भाई साहब। ये देखिए इसके हाथ में गन भी है। ये नकली है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कर क्या रहे हो यहाँ पे? ऐसी इतनी गर्मी, ऊपर से तुम आ गए दिमाग खराब करने, क्या भगो यार यहाँ से। अरे पड़ गए शांति, बुला लिया सबको, किसी और को बुलाना बाकी है। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा फालतू की कहानियां बनाना बंद कर। मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं 17 साल का था तो मेरे माँ बाप ने एक अधेड़ उम्र की औरत से मेरी शादी करवा दी थी, और पिछले साल वो मर गई, तो अब उन 3 बच्चों की जिम्मेदारी मुझसे है। तू सच बोल रहा है ना? हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तूने तो आज मुझे बड़ा सेंटी कर दिया रे, बच्चों के मामले में काफी इमोशनल हूँ। पकड़ अपने पत्नी और अपने बाबा जी की घड़ी, जा। वैसे बंदूक नकली है ना? हाँ। मैं अपने बच्चों के लिए ले लूँ? ले जा। जी शुक्रिया। ये क्या है? ये तो अनमैरिड है। दुनिया को टोपी मैं पहनाती हूँ और ये साला मुझे टोपी पहना के चला गया।